इसलिए कहा है कि मात्र देव उद्भव पितृ देव उद्भव आचार्य देव उद्भव गुरुदेव। तो पहले माता पिता को नमस्कार करना है अपने और उनसे अनुमति प्रदान करना है कि आप आशीर्वाद प्रदान करिए जिससे हमारा कल्याण हो, आगे हम बढ़े, उन्नति हो, प्रगति हो, वृद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करिए। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। जीवन में गुरु भी अति आवश्यक है, तो गुरु जी को भी स्मरण करना है, गुरु जी से भी प्रार्थना करना है कि गुरुदेव आप आशीर्वाद प्रदान करिए जिससे हमारा कल्याण हो, है ना। गुरु का मतलब यही है जो हमारे अंदर जो अंधेरा है तो उस प्रकाश की ओर हमें सत्मार्ग की ओर ले जाए, ऐसा गुरु जीवन में चाहिए। तो कहा ऐसा गुरु मिलेगा, कहा मिलेगा, कब मिलेगा, जब आप भगवान का जब चिंतन करोगे, नाम लोगे, भजन करोगे, तब ऐसा गुरु आपको प्राप्त हो जाएगा। तो गुरु जी को स्मरण करेंगे। ओम महागुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। परमेष्ठ गुरुभ्यो नमो नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमो नमः। का यदि जीवन में गुरु नहीं बनाया है तो क्या होगा, किसको बनाओगे गुरु? वो तो माता पिता तो है, मगर इधर मात्र देव वो पितृदेव हो, वो तो पहले गुरु है, सबसे प्रथम गुरु तो वही है ना। कहा वैसे देखिए, यदि हमने गुरु गुरु बहुत प्रकार के होते हैं ना। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, कितने? 24। हाँ 24 गुरु। गुरु का मतलब ये है कि अच्छा गुरु होना चाहिए जो हमें उस पार कर दे, है ना। तो कहा गुरु कृष्णम बंदे जगत गुरु, कहा पूरे जगत के गुरु कौन है? भगवान बालकृष्ण है। और सभी देवताओं के मने सभी के गुरु देवाधिदेव महादेव। तो भगवान बालकृष्ण जी को नमस्कार करेंगे। ओम मह श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वा कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमः। आनंद गोडि नमस्कारा समर्पयामि नमस्कारोमि। नव विग्रह पवित्रो वासर्वामस्तंगदोऽपि वः यस्मरे पुण्डरीकाक्षः सभायाभ्यन्तरः शुचिः त्रीः आचम्यः तिन्वजर्भिजौ केशवाय नमः माधवाय नमः पुनः हाथ में जल लीजिए, राइट हाथ में लीजिए। ओम पृथ्वी मंत्र शरीशि मेरे प्रश्न स्त्रो चंदा पूर्वो देवता आसन पवित्र करने विनियोग। नीचे आसन के छोड़ दीजिए पृथ्वी, पृथ्वी को प्रणाम करिए। जगत जननी जगदम्बा माती जय। नमस्कार करना है भगवती से, विनती करना है कि हे भगवती आप आशीर्वाद प्रदान करिए। आधार होता
نمها، أم ماتا بيتجر نملي
भ्यो नमः ओम इष्ट देवता भ्यो नमः ओम कुल देवता भ्यो नमः ओम स्थान देवता भ्यो नमः ओम वास्तु देवता भ्यो नमः सर्वे भ्यो जगत भ्यो नमः ओम सर्वे भ्यो ब्राह्मणे भ्यो नमः चतुर्विध शुभदान समन्वित श्री महागणाधिपतये नमो नमः यह आशीर्वाद हमको प्रदान करिए भाव से नमस्कार करना है सभी देवताओं से प्रार्थना करनी है और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करेंगे ओम हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते नमः
एक शुक्र उठ लेना, पॉइंट लेना, संकल्प ले लो, हाथ आगे नीचे, और तीन बार आपको बोलना है दोनों को, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। और इसके बाद जो आपकी मनोकामना है वो भगवान के सामने प्रकट करिए कि प्रभु आप हमारे इस मनोरथ को सिद्ध करिए, हमने आपकी सेवा करी, आराधना करी, अपनी शक्ति भक्ति श्रद्धा के अनुसार आप हमारा कल्याण करिए। ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः। विष्णु 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 श्री मद्भगवतो महापुरुषज विष्णु देशे पुण्य प्रदेश पुण्यक्षेत्र गोदावर्या दक्षिण विभाग वस्तुत मुंबईयाख्यनाम महानगरे तत्र अद्य मुंबई जनपदांतर्गत जोगेश्वर नगरांतर्गत ओम पूर्व दिग्भागांतर्गत पुनर्जीवन नित्यसुनंद सोसाइटी मध्ये वस्तुतः रूम नंबर चतुःपञ्चाशत् गृह क्रमांके अद्यः मासानां मासद्वयमास मार्गशीर्ष मार्गशीर्ष चतुर्दश्यां सुपुण्यदिनोः अद्य पूर्णमास्यां सुपुण्यदिनोः अद्य कृतिका नक्षत्रस्य योगे गणपतिवासनाथ दक्षिणायने उत्तरे राक्षसाम्प्रमदेवं गोत्रोच्चारः बुनिये मम मम आत्मनः आत्मनः स्मृति 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 पुराणोक्त पुराणोक्त पुण्य पुण्य फल फल प्राप्ति प्राप्ति अर्थम अर्थम अद्य अद्य शुभ वेलाया शुभ वेलाया शुभ लग्ने शुभ लग्ने शुभ मुहूर्ते शुभ मुहूर्ते शुभ शुभ गौधूल गौधूले वेलाया वेलाया अश्विन अश्विन स्थापित स्थापित गणपति गणपति मातृका मातृका बालकृष्ण बालकृष्ण शालिग्राम शालिग्राम देवता देवता कृपाप्रसाद कृपाप्रसाद सिद्ध्यर्थम सिद्ध्यर्थम षोडश षोडश मातृका मातृका वरुण वरुण आदि आदि देवतानां देवतानां ब्रह्मा विष्णु रुद्र रुद्र देवतानां देवतानां पूजनम पूजनम आदित्यादि आदित्यादि नवग्रह नवग्रह देवतानां देवतानां पूजनम पूजनम स्थापनम स्थापनम यथाशक्ति यथाशक्ति यथाभक्ति यथाभक्ति पूजनम पूजनम कर्म कर्म करणार्थे करणार्थे अप्राप्त अप्राप्त लक्ष्मी लक्ष्मी प्राप्ति प्राप्ति अर्थम अर्थम अप्राप्त अप्राप्त लक्ष्म्याः लक्ष्म्याः चिरकाल चिरकाल संरक्षणार्थम संरक्षणार्थ सकल मनः मनः ईप्सित ईप्सित कामना कामना सिद्ध्यर्थम सिद्ध्यर्थम अस्मिन् अस्मिन् समये समये भगवान भगवान पूर्णमासी पूर्णमासी व्रत व्रत उद्यापन उद्यापन कर्म कर्म करणार्थे करणार्थे यथाशक्ति यथाशक्ति यथाभक्ति यथाभक्ति वस्त्र वस्त्र आदि आदि पात्र पात्र पीतल पंचपात्र 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 आदि आदि दान दान पूर्वक पूर्वक द्रव्य द्रव्य सहित सहित संकल्प संकल्प अहम अहम करिष्ये 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 देवं कतुर्दहै वैदूरङ्गमं ज्योतिघनं ज्योतिरेकं कर्मे मनः शिव संकल्पमासु संकल्पकर्मणाः सिद्धयाः सन्तोः संकल्पित लेफ्ट हाथ में लीजिए राइट हाथ से उसको क्लोज करिए और दस दिशाओं से विनती करना है कि प्रभु आप हमारी रक्षा करिए और हमको आशीर्वाद प्रदान करिए। अब शर्पण ए भूता शिवाग्नया भूता दिशा
का तो दाना छोड़ना है सभी दिशाओं में, पहले सामने छोड़ना। ओम पूर्वे रक्षत वाराहे, पूर्वे रक्षत वाराहे अग्नया अग्नि देवता, दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्या मधुसूदन, पश्चिमे पापगोविंद वायव्याम तुजनार्दन, उत्तरे श्रीपते बाया पैर की अनिश्चित तीन बार जमीन को ठोकिए, रोग दोषो शत्रु नाम सयोस्तु। बाएं हाथ में जल दीजिए, राइट हैंड से दोनों नेत्रों में जल लगाइए। ओम हरि ही ओम महाजस्तो गे तनये दक्षिण के स्वामी बाबा काल भैरव है, उनसे विनती करना है, भैरव जी से प्रार्थना करना है कि हे भैरव बाबा, कहा दक्षिण दानव कहा, दक्षिण में जितनी भी आखिरी शक्ति है भूत प्रेत पिशाच आदि वही आ जाएगा। तो भैरव जी से विनती करना है, भैरव जी है कौन ये पहले जान जाइए, भैरव जी है कौन मालूम नहीं, मालूम नहीं। भोलेनाथ जी के प्रथम अवतार बाबा काल भैरव प्रथम अवतार है, और यह तीन मुझे बहुत लंबी है ना, और दूसरे हैं एक उत्तर दिशा के स्वामी, उत्तर दिशा के स्वामी कौन है हनुमान जी बाबा हनुमान जी, और उनकी पूंछ बहुत लंबी देखे होंगे देखे कि नहीं। तो पहले भैरव बाबा से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि भैरव बाबा आप दक्षिण दिशा के स्वामी, किसी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए हमारी पूजा में। तो भैरव जी को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, पीछे पीछे बोलना भी है ना। बोली काल भैरव भगवान की जय, भैरव जी की चरणों में बार बार वंदना, श्री भैरव जी के चरणों में बार बार वंदना, भैरव जी के चरणों में बार बार वंदना, भैरव जी के चरणों विनती करना है कि हनुमान जी आप तो सभी का कार्य करते हैं, आज आज हमारा भी करिए, हमको आशीर्वाद प्रदान करिए। देखिए क्या जीवन में हनुमान जी की यदि कृपा हो जाए तो और देवता चिंतन कोई देवता की जरूरत नहीं, केवल माता केवल माता। तो हनुमान जी से विनती करना है, किस दिशा के स्वामी है उत्तर दिशा के स्वामी है, तो हनुमान जी से प्रार्थना करना है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय
बता दें कि हनुमान चालीसा चालीसा यदि पढ़ा जाए लोग तो पढ़ते हैं, मगर उसमें ऐसा नहीं है सभी लोग पढ़े, किसी को कोई ऐसा उसमें नहीं है। और हनुमान चालीसा में लिखा भी है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई भी पढ़े, यहाँ किसी का पुरुष और स्त्री का कोई नाम इसमें नहीं लिखा गया है, कोई भी जाति हो या कोई भी जाति का हो, चार ही वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी पढ़े, उसमें किसी का जो नाम नहीं, नहीं ब्राह्मणों को भी पढ़ना चाहिए ऐसा नहीं, हर जाति के लिए कहा जो ये पढ़े, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्ध साखी गौरीसा, इसके साक्षी है कौन, भगवान भोलेनाथ, तो उनसे प्रार्थना करना है। ओ जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो हो गुरुदेव की नाई, कृपा करो हो गुरुदेव की नाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हे महावीर जब नाम सुनावे, का जीवन कहा बड़े दुर्लभ में मिलता है, देवता लोग तरसते हैं, है ना, कहा स्वर्ग नृत्य कहा स्वर्ग लोक और मृत लोक में दोनों देवता भी तरसते हैं कि हमको भी जीवन मनुष्य का मिल जाए, भाग्य दयन बहुत जल्द समझ देते हैं, कहा जीवन हजारों 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, ये कहा इसीलिए जितना हो सके भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति विश्वास के रूप में श्रद्धा भक्ति से भगवान का भजन करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं पूरा दिन भजन नहीं करो, भक्त कहता है कि महाराज एक घड़ी तो करो, कहा एक घड़ी आधे घड़ी आधे में पुनिया, कहा एक घड़ी का एक घड़ी तो महाराज बहुत ज्यादा हो जाएगा साहब, कम कर दो, कम कर, ज्यादा दिक्कत हो रही तो उसमें कम कर दो आधा कर, तो 12 मिनट हो गया मगर नहीं वो भी ज्यादा हो, तो कहा देखिए भगवान का केवल मात्र भाव विद्यते देवा, श्रद्धा होना चाहिए भगवान का भाव होना चाहिए, इसीलिए गोस्वामी जी ने भी कहा कि भाव भाव अनक नाम जप श्रद्धा से
भक्ति से जो है भगवान का चिंतन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं पूरा दिन भगवान, इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना करना है, ये शरीर बड़ा अनमोल है ना, तो हनुमान जी से प्रार्थना क्या करना है कि हनुमान जी ओ प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी मेरे सर पर अब हाथ धर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी मेरे सर पर अब हाथ धर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी मेरे सर पर अब हाथ धर दीजिए, राम सीता का दर्शन कराके मुझे, राम सीता का दर्शन कराके मुझे मेरे सपने को साकार कर दीजिए, ओ मेरे सपने को साकार कर दीजिए, आप हम राम जी के राम जी हमारे हैं कहा, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे प्राणों से अधिक प्यारे हैं, प्राणों से अधिक प्यारे, तो इसीलिए कहा हनुमान जी से ये प्रार्थना की राघव जी का दर्शन करवा देंगे प्रभु साहब, तो कहा फिर आगे क्या, ओ तन निरोगी रहे तन भरपूर हो, तन निरोगी रहे तन भरपूर, कहा शरीर निरोग होना चाहिए, कहा यदि निरोग नहीं होगा तो फिर रोग भरा होगा तो कैसे भगवान की सेवा हो पाएगी साहब, नहीं हो पाएगी, इसलिए कहा तन तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे धन भरपूर हो, मन भजन में लगे द्वंद दुख दूर हो, मन भजन में लगे द्वंद दुख दूर हो, मर भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, कर्ज निपटा रहे ऐसा वर दीजिए, कर्ज निपटा रहे ऐसा वर दीजिए, केवल मात्र यही प्रार्थना है कि प्रभु आप आशीर्वाद प्रदान करिए, काजी की बड़ देवन के तुम फिर महाप्रभु विचारो, कौन जो संकट मोर गरीब को जो तुम को नहीं जाता तारो, हनुमान महाप्रभु जो गज संकट होवे हमारो, जग में कब संकट बुझ नव तिहारो, अजमिल कलम रामम जोरियार मदाय राम जय जगदगम बाबा हे आमे दावे आमे पूजे ओम महाप्रतिष्ठापनम बामनो जोदा सुदामा जसवर पदर जय मंदनो दो चंचल गुण संबंध धा दुष्वे देवा देवना ने नाम ओम प्रतिष्ठा पत्र पूजनम बा ओम हरि ओम चतुर्वेद पूजनम बा ओम महा पूर्वेद के वेदाय नमः चारो दिशाओं में लगाना है, ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदं पूजयामि, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदं पूजयामि, पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदं पूजयामि, उत्तरे धर्मवेदाय नमः धर्मवेदं पूजयामि, हे अपां पतये वरुणाय नमः वरुणं लगाइए चारों तरफ कलश के,
کیا بات ہے ایک دم راؤنڈ کر دو لالی میرے لال کی جت دیکھو تتلا چلیے پناہ کلس کو اس بچ کو دیئے اوم کل ششم ہوئے وشنو کنڈے پتر شماج دا مولو دس دو کن بھو مندی ماں کنڈ بلا کنڈ بلا کنڈ سب دا سب دی پیا سب دا رکھ پیا دو جب دو جام پیا دو در بنا بھگوان سوریہ نارائن کو نمسکار کریں گے دیپ نارائن کرم کے ساکشی ہیں ان کو نمسکار کریں گے شبھم بھوت کلیانم آروگیم دھن سمپدا بھگوان سوریہ نارائن کو نمسکار کرنا ہے اوم مہا سوریہ نارائن ابھیام نمو نمہ پشپ لے لیجے ہاتھ میں درب لیجے بھگوان سوریہ نارائن سے پرارتھنا کرنا ہے کہ ہے سوریہ نارائن آپ ہمیں شکتی پردان کریے ارجا پردان کریے جب تک ہم یہ پوجا کر سکیں ایسا آشیرواد آپ پردان کریے بولیے سوریہ نارائن بھگوان اوم مہا کرشن نرج ساوتمانو نمیشن مدماتن جاہرنڈے نشبدار تھے نادے وجا دھونا نمشین نا مدھے سوریہ نمو نمہا سوریہ ماواہ آمد بھگوان سوریہ نارائن کو سوریہ نارائن ین منا دنو بید بیدو پگیدو یاد یوگ نام یوگ بدانو دنو آگرگ دیو Oh.
जब भी कोई भी कार्य करते हैं तो पहले गणपति बप्पा क्या करते हैं मंगल भक्ति ओम हरि ओम माये दावाज्य महिमा दो ज्ञान जो रुधा जब विश्वास भूदान विभाग ज्ञान जन देवे Oh,
ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಮಾಧವೇ
कृष्णाय गोविंदाय गोविंदाय नमो नमो नमः। चलिए ओम पूरा छोड़ दीजिए, बस हो गया, भगवान मूर्ति को निकालिए, साफ करिए सुंदर। ओम नमः, ओम शुद्ध वारह द्रव शुद्ध मानो मणि वानदा। हां बोलो ना। हाँ हाँ चलेगा ठीक। हाँ एक ओम नहीं देवे दुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारे तरला करूंगे शंकर मौली विहारी विमले मम मातिराकाम तव पाद कमले भागीरथे सुखदायनि माता तव जन महिमा निगमे देव पूजा करिष्यामि एक
बिल्वम देवार्पणम अग्रे धूपम ओम हरि ओम माहिरि मा भूगे पजेति बाहुं जाया हेदम बरि बादमाना सुलोर विश्वान भवान भवान हम लोग बरि बाद विश्वाता ओम हरि ओम मा धूपा भवे हमि धूपांते दीपम दर्शयामि धूर्वंदन धृतियोस माधुर्वयम भयम दूर्वा महदेवानाम अतिपनितम घोषजतम पप्रितम दुष्टतम देवहु भुवान्ते दीपम दर्शयामि नहीं नहीं चले दी ओम हरि ओम चलिए चाव लीजिए हाथ में ऐसे दिखाइए ओम चंद्रमा मन जो जात जगो जो जो जाय ज्योतिरात्माय जुगान सबकार गिर जाय ओम हरि ओम मा दीपम दर्शयामि दीपां देह तो वृक्षार्य चाह लीजिए भगवान के पास भगवान को सुंदर नैवेद्य दीजिए ओम हरि ओम ఫలం సమర్పయామి పుగీఫలం మహారివ్యం నాయుక్త ఫలం సమర్పయామి పుగీఫలం దయాత్మనీయం జలం సమర్పయామి ఓం హరి ఓం ప్రాణాయ నమః వ్యానాయ నమః అపానాయ మూర్ధనాయ నమః సమానాయ నమః భోజ్యతాం 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 పరమేశ్వర ఓం హరి ఓం సాందర్ దిగే ओम हरि ओम वस्त्रम समर्पयामि हरि वाश्वाजा प्राणाय स्वाहा जानाय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भोज्यता परमेश्वर इदं फलम आदेव चापिदं भुर्गत्व तेन मे सभ्रावत् भवेत् जन्म निज ओगे फलम महद्रव्यागवल्ली दलैरुतम क्षीरादचूर्ण संयुक्तम ద్రవ్యలక్షణాం చ సమర్పయామి నమస్కరోమి సఫల సజల సజల అర్ఘ్య అర్ఘ్య దానేన మహాగణపతి మహాగణపతి దేహి మే గణేశ్ జీ కి బాత్ చోడ్ దీజియే వందనా వందనా అస్తు సదా గణపతి బప్పా మోరియా మంగళ మూర్తి మోరియా ఆ దోనో లోగ్ దక్షిణా లేకర్ కే హమ్ పునః ప్రార్థనా కర్ లేంగే సభీ దేవతాఓ సే ఓం హరి ఓం
देखिए भगवान की कथा बड़ी छोटी सी कथा है ना। कथा का मतलब देखिए, कथा तो बहुत बड़ी है ना। गोस्वामी जी ने कहा है भैया साहब, हरि अनंत हरि कथा अनंत है ना। कहा भगवान की कथा बड़ी अनंत है भैया, जितना बोलो उतना कम है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम हरि ओम महा। चलिए दो मिनट भगवान के चरणों में वंदन करते हुए कथा प्रारंभ करेंगे। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथमोध्याय